हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 404 डेवलपर। जो हमारी जर्नी है लार्वल की, उसके एक नए फेज पे चलते हैं, जहाँ पे कि मैं आपसे बात करने वाला हूँ जो लार्वल का पूरा फ्लो है, कैसे रिक्वेस्ट कंट्रोलर तक पहुँचता है, उसके बीच की जो पूरी जर्नी है उसकी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि क्या है कि एक यूज़र है, वो यूज़र हिट करता है लोकल होस्ट कोलन 8000 स्लैश होम। जैसे कि मैं अगर हिट करूं, ये चीज़ जब हिट होती है, ठीक है, तो फिर अब इसके बाद क्या होता है, ये रिक्वेस्ट जाता है हमारा सर्वर पे। अब उसके बाद ये जाता है हमारा एसटी एक्सेस पे। अभी तक ये लारवेल पे नहीं पहुंचा है, ये हिट होता है हमारा एसटी एक्सेस पे। और एसटी एक्सेस की फाइल कहाँ होती है, यहाँ पब्लिक में जाओगे, पब्लिक में ये एक एस टी एक्सेस फाइल है। ठीक है, इसको देखोगे तो ये जो है ना, ये रूल्स बताता है कि भाई हर रिक्वेस्ट के साथ आपको करना क्या है, क्या क्या डेटा अलाउ करना है, ये आप यहाँ पे पूरा इसको मैनेज कर सकते हो। जैसे कि इसमें क्या कह रखा है इसने कि भाई जो मेरी फाइल्स हैं उसको तो आप डायरेक्ट यूज़ करो। ठीक है, फाइल नेम के साथ आप डायरेक्टली इस, यहाँ पे मैं कुछ भी फाइल बनाऊंगा तो उसको आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लो या यूज़ कर लो। बट जैसे ही अगर वो फाइल नेम से, किसी भी फाइल नेम या फोल्डर नेम से मैच नहीं करता है, तब ये किस पे जाएगा, इंडेक्स डॉट पी एच पी पे। ठीक है, ये हो गया काम हमारा एच टी एक्सेस का। अब क्या होता है, अगर लेट सपोज कोई फाइल मिलती है, जैसे कि अभी क्या था हमारा यहाँ पे, जैसे कि अभी यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना देता हूँ होम का। ठीक है, अब भाई हमने राउट्स में यहाँ पे क्या डाला था, होम। अब इसको एक्सेस करते हैं होम को। देखा, अब होम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि इसका रूल क्या कहता है कि भाई आप फोल्डर में जाओ, सबसे पहले सर्वर के पास रिक्वेस्ट आया, उसके बाद ये गया एस टी एक्सिस में, एच टी एक्सिस में जाने के बाद फिर देखता, अच्छा ये रिक्वेस्ट आया है स्लैश में होम लगा हुआ है, तो ये पहले पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर वो फाइल्स देखेगा है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो इंडेक्स पे जाता है, अदरवाइज वो वहीं पर रह जाता है। तो ये इसको कोई, यहाँ पे उसको मिल गया एक होम नाम का फोल्डर। अब यहाँ पे वो रिसोर्स जो है अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो कभी भी पब्लिक फोल्डर के अंदर जब भी हम कुछ भी एसेट मैनेज करने के लिए, जो इमेजेस, वीडियोस या फिर जो जितने भी फोल्डर्स बनाते हैं, उनका नाम राउट के नेम से अलग होना चाहिए। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये थ्रू आउट आपके डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को अच्छा बना के रखेगा। अब आगे चलते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं हम। ठीक है, अब लेट्स से, अब देखो आ गया एक्सेस। ठीक है, अब इसे अगर फाइल मिला तो रिस्पॉन्स करेगा, अगर वो फोल्डर वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता तो किस पे जाता है, इंडेक्स डॉट पी एच पी पे। अब इसमें आओगे तो यहां देखोगे पब्लिक के अंदर ये इंडेक्स डॉट पी एच पी है। ये जो इतना सा कोड है ना, यही पूरा रिस्पॉन्सिबल है हमारे प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। यहीं से सारी चीज़ें डिसीजन, यही है डिसीजन मेकर जो कि हमें बताता है कि हमें कहाँ जाना है, आफ्टर कि उसको रिसोर्स कोई एक्सेस नहीं कर रहे, इसको हम बोलते हैं रिसोर्सेज। ठीक, अगर उसको कोई रिसोर्स यूज़ नहीं कर रहा, वो डायरेक्टली किसी URL पे आया है, तो ये जो फाइल है ये उसको बताता है कि भाई आपको कहाँ जाना है। तो जैसे ही ये हिट हुआ, फाइल नहीं था, कोई फोल्डर नहीं था, इंडेक्स डॉट पी एच पी जैसे ही हिट हुआ, अब इसमें हमारे पास दो चीज़ें बनती हैं, एक विद API और एक विदाउट API। अब ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। अब जैसे ये होम है, ठीक है, यहाँ पर मैं API स्लैश होम करता हूँ, फोल्डर नहीं है। ये जो आप फोल्डर देखोगे ना यहाँ पे, कहाँ गया वेब, अच्छा इसमें अभी है नहीं, यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा इसको। देख, जैसे कि जो हमारे पुराने वर्जन थे लार्वेल के,
उसमें हमारा एपीआई पहले से आता था, बट अभी क्या है, अभी इन्होंने हटा दिया है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पीएचपी आर्टिशन इंस्टॉल कोलन एपीआई, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका एपीआई लिंक हो जाएगा, एपीआई फोल्डर यहाँ पे, अभी देखो, हाँ अब यहाँ पे डू यू वांट टू मार्केट द डेटाबेस, यस, ठीक है। अभी कुछ कुछ एरर है, अभी हम इस पर फोकस नहीं करते हैं। अब यहाँ पे इस फाइल के अंदर जितने भी आएंगे वो जो है आपका, जब जैसे ही आपके राउट में, जो आपका राउट है ये, जैसे ही यहाँ पे एपीआई लगा होगा ना, तो ये हमेशा इस फाइल को ही उठाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे, हमारा क्या था, काइंड ऑफ राउट ग्रुप है ये, जो कि सारे एपीआईज के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको उठाते हैं, कहाँ गया, ये रहा। अब चेक करते हैं, ठीक है, आ गया। तो अगर उसके अंदर, उसके आगे एपीआई नहीं लगा है तो web.php पे जाएगा। अब यहाँ से आपके ऊपर है, आप क्या करते हो कि ये वही से, हमारे पास अब अलग अलग मेथड है कि अब यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे कंट्रोलर भी दे सकते हो, व्यू भी दे सकते हो, ठीक है, या फिर डायरेक्टली टेक्स्ट भी रिटर्न कर सकते हो इस तरीके से। ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। तो यहाँ आता है और फिर वो जो है हमारे क्लाइंट को रिस्पॉन्स देता है। अब इसमें भी और चीजें हैं, जैसे कि अब क्या है, ये होम है, ठीक है, एक होम ये हो गया। अगर मैं सेम नाम से बना दूं, लेट्स से इसको मैं होम टू कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूं हेलो वर्ल्ड, इस केस में क्या होगा, एनी गेसेस? तो इस वाले केस में इसने सेकंड वाले को उठाया है, ठीक है, पहले वाले को नहीं, वैसे तो इसको पहला वाला ही उठाना चाहिए। तो ये हमेशा जो उसके बाद के हैं। अब जैसे अगर मैं इसको मल्टीपल राउट्स बना देता हूँ ऐसे, ठीक है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड टू। अब अगर आप देखो तो जो सबसे लास्ट वाला था उसको, ऊपर वाले को वो इग्नोर कर देता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रहे। अब यहीं पे आते हैं, हमारा एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं हम पैरामीटर राउट, जिसमें कि हम इस तरीके से यूज करते हैं। ये जो आईडी है हमारा, ये एक वो की है जो कि डायनेमिक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं आईडी, और इस आईडी को मैं यहाँ पे कंकेटिनेट करा दूं। अच्छा, ये है तो पीएचपी डॉट आएगा, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, तो ये पहले वाले पे गया। अब मैं स्लैश 56 कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या है भाई कि इसमें अगर ये जैसे स्लैश न्यू था, ठीक है, अब ये देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने होम न्यू, एक काम करते हैं इसको हम कर देते हैं होम, ठीक है, ये चीज़ है। अब इस चीज़ में क्या होगा, ये हमेशा जो हमारा डायनेमिक राउटिंग है ये उसके पास जाता है, बट अगर मैं इसी को क्या करूँ, इसके नीचे कर दूँ, तब क्या होगा, तो ये अब उसके पास गया। देखो दो चीज़ें हैं, अगर आप सेम राउट से बनाते हो तो वो नीचे आता है, सेकंड वाले को पिक करता है। अगर आप ये पैरामीटराइज्ड राउट्स बनाते हो तो अगर उसको उससे पहले कोई पहला मैच मिल गया तो वो उस राउट को पिक करता है, उसके कंट्रोलर या फिर फंक्शंस को कॉल करता है एंड रिस्पॉन्स रिटर्न कर देता है। अदरवाइज जो डायनेमिक राउटिंग है, जो पैरामीटराइज्ड राउटिंग है, उस केस में क्या करेगा, उसकी प्रायोरिटी हमारी सेकेंडरी होती है। जैसे अब इसको मैच नहीं किया तो
इसके पास आएगा और ये यहाँ से डेटा रिटर्न करेगा, इसी को कहते हैं हम पैरामीटराइज राउटिंग। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, अगर लेट से उसको API मिल जाता है, वो API पे आएगा, फिर कंट्रोलर और फिर कस्टमर के रिस्पॉन्स, कस्टमर को या फिर यूज़र को रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये एक पूरा इसका जो राउटिंग है ना हमारा लारवेल का कैसे वर्क करती है, ये एक उसका पूरा फ्लो है हमारा, वो हमेशा इसी तरीके से चलती है। यूज़र का रिक्वेस्ट पहले सर्वर पे, सर्वर से जाएगा htaccess पे, htaccess से जाएगा index.php पे। अगर उसको रिसोर्स नहीं मिला, अगर उसको मान लो सेम फोल्डर का नाम है तो फाइल पे उसको रिटर्न करेगा, अदरवाइज जाएगा इंडेक्स पे, फिर इंडेक्स डिसाइड करेगा कि भाई वेब पे भेजूँ कि API पे भेजूँ। अब इन दोनों में से कुछ भी होगा कॉल तो किस पे जाएगा, कंट्रोलर पे, और कंट्रोलर क्या करेगा, यूज़र को रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, क्लियर है, ये एक पूरा बेसिक फंडामेंटल है, इस चीज़ को आप याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है, एक लारवेल को आपको चलाने के लिए ये फ्लो बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखें। तो आज अब इस क्लास को यहीं हम ओवर करते हैं, एंड हैव अ गुड डे, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय।